शाहजहांपुर से बड़ी खबर हमें मिल रही है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की हत्या की धमकी से जुड़ा यह मामला है। बीजेपी नेता आशीष वर्मा को फोन पर धमकी मिली है और धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस लाइन में युवक से पूछताछ कर रही है पुलिस। चौक कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये मामला है। बीजेपी नेता आशीष वर्मा को फोन पर धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। पुलिस लाइन में इस वक्त इस युवक से पूछताछ कर रही है पुलिस। आखिर किसके इशारे पर उसने ये फोन किया था और क्या ये कोई साजिश है या किसी शरारती तत्व का कारनामा है, इसे पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। आज कानपुर और सैफई जाएंगे सीएम योगी। कोरोना की रोकथाम को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। सैफई गांव का भी दौरा सीएम योगी करेंगे और सैफई के बाद कानपुर मंडल के ऑफिसर्स के साथ उनकी एक बैठक भी है। ताजा हालात और इंतजामों पर नजर रखेंगे मुख्यमंत्री, उन्हें परखेंगे। तो आज कानपुर और सैफई दो जगह जाएंगे। गांवों का भी दौरा आज सीएम योगी करने वाले हैं। सैफई के बाद वो कानपुर मंडल के ऑफिसर्स के साथ बैठक भी करेंगे। ताजा हालात क्या है और इंतजामों को परखेंगे मुख्यमंत्री योगी। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हमारे सहयोगी। रतीश बताइएगा, कानपुर में कहां कहां निरीक्षण के लिए जा सकते हैं और क्या कार्यक्रम सीएम योगी के यहां पर है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले इटावा सैफई पहुंचेंगे, सैफई में कोविड की समीक्षा करेंगे और उसके बाद 2 बजे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर पहुंचने का है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुलिस लाइन जाएंगे। पुलिस लाइन में एक अस्पताल पुलिस कर्मियों के लिए बनाया गया है 16 बेड का। वहाँ पर 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पुलिस कर्मियों के लिए देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद उनका सर्किट हाउस जाने का दौरा है। सर्किट हाउस में कुछ मीटिंग्स हैं और सर्किट हाउस की मीटिंग्स निपटाने के बाद वो ICCC पहुंचेंगे, कमांड सेंटर पहुंचेंगे जो नगर निगम में बना हुआ है। ICCC का मुआयना करने के बाद कोविड कमांड सेंटर में किस तरीके के इंतज़ाम और प्रबंधन हैं उनका निरीक्षण करने के बाद KDA सभागार जो ठीक बगल में है वहाँ पर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और एक VC होगी। चूँकि कानपुर मंडल में इटावा भी आता है और इटावा से वो दौरा करके आ रहे होंगे, इसलिए इटावा के जिलाधिकारी को छोड़ करके अन्य जनपद जो कानपुर मंडल में आते हैं, फरकाबाद है, कन्नौज है, कानपुर देहात है, इन तमाम जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें कोविड की बैठक ली जाएगी, कोविड की समीक्षा की जाएगी कि इन जनपदों में क्या हाल चल रहे हैं। कानपुर के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4:20 पर जो प्रस्तावित है वो की जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री गांव का निरीक्षण करने भी जाएंगे, जैसा कि वो अपने हर दौरे पे कर रहे हैं, हर मंडल के दौरे पे कर रहे हैं। सरसौल बताया जा रहा है, सरसौल मुख्यमंत्री जा सकते हैं, सरसौल के गाँव में वो निरीक्षण कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या हाल चल रहा है और लोगों से, जैसे अपने हर दौरे पर वो वार्तालाप कर रहे हैं कि लोगों को कोविड से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है और ये मेडिकल किट अगर वो आइसोलेशन में है तो उनको मिल रही है। तो तमाम ये दौरा है, पूरा 3 घंटे का आसपास का, 2.5 से 3 घंटे का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और आज वो कानपुर मंडल में आकर के ये परखेंगे कि कानपुर में कोविड की क्या हालात हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को 136 मामले कोविड के निकल के आए थे जब सेकेंड वेव शुरू हुई कोविड की, तो उसके बाद कानपुर में ये मामले 2,500 की संख्या तक पहुंच गए थे। काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कोरोना संक्रमण से हुआ था दूसरी वेव में कानपुर और अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं अपने 12वें मंडल के दौरे पर और 50 जनपद लगभग आज वो कवर कर लेंगे, यानी ग्राउंड जीरो पे उतरकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं कि कोविड का प्रबंधन क्या है और तीसरी वेव को लेकर के जो मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कैसी तैयारियां मंडल के अधिकारी कर रहे हैं, जनपद के अधिकारी कर रहे हैं, इस सब के बारे में भी वो मीटिंग करेंगे। जी जी हाँ, बिल्कुल। तो विस्तार से आपने बताया कि क्या कार्यक्रम सीएम योगी के रहने वाले हैं। गांव गांव जा रहे हैं क्योंकि अब जो अगला टारगेट है और चिंता भी है सरकार की वो ये कि गांव में कोरोना को बढ़ने से रोकना है। तो कानपुर और यहाँ के अगर देहात इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल कोविड की स्थिति कैसी है और इंतजाम कैसे नजर आ रहे हैं सरकार के? बिल्कुल, देखिए कानपुर मंडल मुख्यालय कानपुर नगर है और कानपुर नगर में बात की जाए तो 1 अप्रैल के आसपास 136 मामले आए थे। इससे पहले मामले घट रहे थे लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ती गई और 2,500 तक पहुंच गई, यानी एक दिन में 2,500 संक्रमित निकलने लगे और 67 मैक्सिमम जो सरकारी आंकड़ा है
वो बताता है कि एक दिन में 67 मृत्यु हुई थी, 67 मृत्यु हुई थी और शमशान घाट पर लगातार डेड बॉडीज पहुंच रही थी। काफ़ी ज़्यादा सेकंड वेव ने परेशान किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई। इसके बाद कोविड प्रबंधन के लगातार निर्देश मुख्यालय से आते रहे और अब मुख्यालय के निर्देशों के बाद थर्ड वेव जो प्रस्तावित है उसकी तैयारियाँ भी की जा रही हैं। मामले लगातार सेकेंड वेव के कम हो रहे हैं और कानपुर में 100 से नीचे का आंकड़ा यह पहुँच गया है रोज़ाना संक्रमित होने का। 7, 8 या 10 के आसपास रोजाना मौतें हो रही हैं अभी फिलहाल, लेकिन पॉजिटिविटी रेट जैसा कि प्रदेश का देश का बढ़ रहा है वैसे कानपुर का भी बढ़ा है और मंडल के अन्य जनपद भी हैं। ब्लैक फंगस एक महामारी के रूप में घोषित किया गया है जिसकी चिंता की जा रही है क्योंकि कानपुर में 7 लोग अभी तक ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं और एक की मृत्यु भी हो गई है। तो ब्लैक फंगस के शिकार जो लोग बढ़ रहे हैं उनका उपचार करने के लिए हैलट अस्पताल में एक अलग से वार्ड बनाया गया है, एक अलग से डॉक्टर्स की टीम भी बनाई गई है ताकि जो ब्लैक फंगस की बीमारी है उससे लोगों को बचाया जा सके। इन्हीं सब जो प्रशासन अपनी तरफ से इंतजाम कर रहा है और लक्ष्य यही है कि गांव तक कोरोना ना फैल पाए। जिस तरह शहरों में हालात देखने को मिले वो परिस्थितियां गांव में ना आए उससे पहले ही इंतजामों को ठीक कर लिया जाए। शुक्रिया रतीश, आप नजर बनाए रखें।